सुपरस्टार ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन को कैंसर होने की खबर सामने आई है। खबर के आते ही उनके चाहने वाले काफी चिंतित हो गए। बॉलीवुड के कई सितारों समेत पीएम नरेंद्र मोदी ने भी राकेश रोशन के लिए अपनी चिंता को व्यक्त किया। ऐसे में अब राकेश के एक नजदीकी दोस्त ने उनकी इस बीमारी को लेकर एक चौंका देने वाला खुलासा किया है। खबरों के मुताबिक राकेश रोशन के दोस्त अमोद मेहरा का कहना है, ऋतिक के ट्वीट से पता चला राकेश रोशन को कैंसर हुआ है। राकेश से मैं करीब 2 महीने पहले मिला था। इस दौरान राकेश काफी फिट लग रहे थे, लेकिन उनकी बीमारी की खबर से मैं बहुत ही हैरान हूँ। मेहरा ने राकेश के कैंसर होने के कारणों का खुलासा करते हुए कहा, राकेश को स्मोकिंग की बुरी आदत थी। राकेश की इस आदत के चलते उनकी पत्नी भी परेशान रहती थी। उनकी पत्नी और ऋतिक की माँ उन्हें सिगरेट छोड़ने को कई बार कह चुकी थी, लेकिन वो सबसे छुपकर सिगरेट पिया करते थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राकेश रोशन को कैंसर सिगरेट पीने की वजह से हो सकता है। बता दें, राकेश रोशन को गले में कैंसर के प्रारंभिक चरण स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा यानी कि थ्रोट कैंसर हुआ है। गौरतलब है, धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को थ्रोट कैंसर ज्यादा होता है। इसमें वे लोग भी आते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान करने वालों के संपर्क में आते हैं। थ्रोट या गले के कैंसर के लक्षण आसानी से पकड़ में नहीं आते। यदि इनमें से एक या अधिक लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जैसे आवाज बदल रही हो या भारी हो रही हो, मसूड़ों में सूजन या दांतों में दर्द, गले में गांठे महसूस हो, मुंह में लगातार दर्द हो, खून निकले, गले में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ आए, खाना खाने में परेशानी, लगातार थकान, नींद कम आना, मुंह के अंदर लाल सफेद या गहरे रंग के पैचेस बनना, खाना चबाने या जीभ को हिलाने में दर्द का अनुभव, सांस से दुर्गंध महसूस होना या कान में अकारण दर्द आदि।